हे गाइस, सिनेपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम मैक्स नाम की मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जो 2015 में रिलीज़ हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि डॉग्स को यूएस की मिलिट्री वर्ल्ड वॉर वन के टाइम से यूज़ कर रही है। इराक और अफगानिस्तान में 3000 से ज़्यादा डॉग्स ने एज सोल्जर्स काम किया है। मूवी के मेन कैरेक्टर मैक्स भी एक ऐसा ही सोल्जर डॉग है। मैक्स यूएस सोल्जर्स को अफगानिस्तान के एक छोटे से गांव तक लीड कर रहा है। उसका मालिक काइल उसका पीछा करता है और बाकी लोग गांव वालों से बात करने लग जाते हैं। मैक्स की मदद से वो लोग एक घर में इलीगल गन्स और गोला बारूद ढूंढते हैं। गांव के लोग इसको टेररिस्ट्स को बेच रहे थे, इसलिए मैक्स और काइल के लिए ये काफ़ी बड़ी जीत थी। शाम को काइल अपने माता पिता रे और पामेला से वीडियो कॉल करता है। ये दोनों टेक्सास में रहते थे। वो दो मैक्स को काफ़ी प्यार करते थे जैसे उनका अपना बच्चा हो, पर काइल का छोटा भाई जस्टिन मैक्स को पसंद नहीं करता था। अगले दिन काइल के सीनियर्स उससे और उसके साथियों को कुछ पूछताछ के लिए बुलाते हैं। जो हथियार बरामद हुए थे उनमें से कुछ मिसिंग थे और उनके सीनियर्स को लगता है कि इनके ग्रुप में से ही कोई करप्ट है। उस व्यक्ति की तलाश वो अभी तक नहीं कर पाए थे। काइल को पता था कि ये उसका बेस्ट फ्रेंड और साथी टाइलर है। वो टाइलर से इस बारे में बात भी करता है, पर टाइलर उसे चुप रहने को कहता है। उस दिन मैक्स उनके आगे चल रहा था। वो एक जगह जाके रुक जाता है, पर टाइलर उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है। इस लापरवाही की वजह से उन पर हमला हो जाता है। मैक्स के आसपास काफ़ी विस्फोट होते हैं। काइल मैक्स को बचाने के लिए दौड़ता है और टाइलर को हेल्प के लिए भी बुलाता है, पर टाइलर उसकी मदद ना करने का फैसला करता है। उस शूटआउट में काइल मारा जाता है, पर बाकी लोग बच जाते हैं। उधर घर पर काइल के पिता रे जस्टिन को किसी बात पर डांट रहे थे। उसी समय कुछ ऑफिसर्स घर पर पहुँचते हैं। वे काइल के मौत की खबर उसके माता पिता को देते हैं और घर पर मातम छा जाता है। काइल के फ्यूनरल पर मैक्स को भी बुलाया जाता है ताकि वो अपने मालिक को गुड बाय बोल सके। मैक्स काइल के अलावा किसी और के ऑर्डर्स नहीं मानता था, इसलिए अब उसे कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। वो काइल के कॉफिन के पास बैठा होता है और बहुत दुखी दिखता है। जब सोल्जर्स उसे वापस ले जा रहे थे तो वो उनकी बात भी नहीं मानता, पर जब जस्टिन के पास जाता है तो वो शांत हो जाता है। जस्टिन उन सोल्जर्स को उसे गाड़ी तक ले जाने में हेल्प करता है जो मैक्स को एनिमल शेल्टर ले जा रहे थे। जस्टिन घर पर वापस आकर रोज़ की तरह वीडियो गेम्स खेलता है। वो काइल की डेथ से दुखी था और रे को उसे मिलिट्री में भेजने के लिए ब्लेम करता है। वो आर्ग्यू कर ही रहा था जब पामेला उनको इन्फॉर्म करती है कि शेल्टर वालों ने मैक्स को मारने का डिसाइड कर लिया है। वो तीनों मैक्स को देखने के लिए एनिमल शेल्टर पहुंचते हैं। शेल्टर का केयर टेकर उन्हें बताता है कि मैक्स काइल से इतना ज़्यादा अटैच्ड था कि काइल की मौत के बाद मैक्स ऊंची आवाज़ों से डरने लगा था। साथ ही वो बहुत अग्रेसिव हो गया था। अब वो मिलिट्री में सर्विस करने के लिए अनफिट था और उसे खुले में छोड़ना बहुत रिस्की था, इसलिए उसे मारने का डिसाइड किया गया है। मैक्स सिर्फ जस्टिन की बात मानता था, इसलिए वो लोग उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। घर पर मैक्स को घर के अंदर रखना बहुत रिस्की था, सो रे उसके लॉन में बांधने के लिए एक लीश ले आता है। जस्टिन मैक्स का ख्याल रखने के लिए खुश तो नहीं था, पर फिर भी वो ये काम करता है। रात में मैक्स खूब शोर मचाता है और सब लोग परेशान हो जाते हैं। जस्टिन उसे चुप कराने के लिए बाहर जाता है, पर मैक्स उसे वापस अंदर आने ही नहीं देता। सुबह पामेला जस्टिन को नींद से उठाती है और जब वह देखता है कि वो लॉन में ही सो गया था। इसके बाद दिन में वो अपने दोस्तों से मिलने जाता है। वो अपने दोस्त च्यूई को पायरेटेड गेम्स की सीडी भी देता है। च्यूई की कज़न कार्मिन भी उसे मिलती है। कार्मिन एक डॉग लवर थी। जब उसे पता चलता है कि जस्टिन को अपने डॉग के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो हेल्प के लिए ऑफर करती है। कार्मिन के घर आने से पहले जस्टिन बढ़िया से तैयार होता है क्योंकि वो क्लियरली कार्मिन को पसंद करने लगा था। कार्मिन की हेल्प से शाम तक जस्टिन मैक्स को काफ़ी कुछ सिखा लेता है। पामेला कार्मिन और च्यूई को डिनर के लिए इन्वाइट करती है। डिनर के टाइम वो काइल को याद करते हुए रोने लगती हैं और बाकी सब लोग थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं।
बाहर मैक्स जोर जोर से भौंकने लगता है। घर की डोरबेल बजती है। जब जस्टिन दरवाज़ा खोलता है तो टाइलर वहाँ होता है। टाइलर बताता है कि उसे चोट लग गई थी, जिस वजह से वह कुछ समय के लिए घर आया है। रे और पामेला उसे देखकर काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि वो काइल का बेस्ट फ्रेंड था। पामेला उसे मैक्स से मिलने के लिए भी ले जाती है, पर मैक्स टाइलर को देखकर बहुत अग्रेसिव हो जाता है। मैक्स जानता था कि टाइलर ही काइल की मौत का जिम्मेदार है। वो टाइलर पर अटैक करने के लिए दौड़ के आता है, पर जस्टिन और कॉमन बीच में आकर बड़ी मुश्किल से उसे रोकते हैं। टाइलर मैक्स को खिड़की से घूरता रहता है। अगले दिन मैक्स जस्टिन के साथ काफ़ी फ्रेंडली था, इसलिए जस्टिन उसे अपने साथ बाहर खेलने के लिए ले जाता है। कार्मन पिछले दिन के इंसिडेंट्स की वजह से थोड़ा घबरा रही थी, पर जस्टिन को मैक्स पर काइंड ऑफ अब भरोसा सा हो गया था। सब दोस्त बाइक्स पर जंगल में दौड़ने लगते हैं और मैक्स पीछे पीछे भागता है। घर वापस जाकर जस्टिन देखता है कि रे ने मैक्स के लिए केस लेकर आया है, ताकि वो लोगों पर अटैक ना कर सके। 4 जुलाई को परेड होती है और सब लोग इंजॉय करते हैं। रात में पटाखे और हवाइयाँ उड़ने लगती हैं, इससे मैक्स काफ़ी डर जाता है। जस्टिन उसे घर के अंदर लाने की भी कोशिश करता है, पर मैक्स बहुत घबराया हुआ था। जस्टिन उसे शांत करने के लिए उसकी केज के अंदर ही जाके बैठ जाता है। दूसरी ओर टाइलर और रे एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं। रे काइल की मौत के बारे में भी टाइलर से पूछता है, तो टाइलर उसे झूठ बोल देता है। वो कहता है कि मैक्स बेकाबू हो गया था और उसने काइल पर अटैक कर दिया। रे को मैक्स पर बहुत गुस्सा आता है। वो घर जाकर मैक्स पर अपना गन पॉइंट कर देता है। किस्मत से जस्टिन वहाँ आ जाता है और रे को रोक देता है। रे उसे वार्न करता है कि अगर मैक्स ने दोबारा किसी भी इंसान पर अटैक किया तो वो उसे मार देगा। अगले दिन जस्टिन मैक्स के ट्रेनिंग सेंटर पहुँचता है, जहाँ काइल ने मैक्स को ट्रेन किया था। वहाँ काइल का दोस्त भी उसे मिलता है और वो बताता है कि मैक्स एक बहुत अच्छा डॉग है, वो अपने ट्रेनर पर कभी भी अटैक नहीं कर सकता था। जस्टिन को ये भी पता चलता है कि टाइलर को कोई चोट नहीं लगी थी। वो कन्फ्यूज हो जाता है कि टाइलर झूठ क्यों कहेगा। इसके बाद वो कॉमन के घर जाता है। दोनों बैठकर मैक्स और काइलर की ट्रेनिंग की वीडियोस देखते हैं, जो कि काइल के दोस्त ने उसे दी थी। वीडियो को देखकर जस्टिन को यकीन हो जाता है कि मैक्स काइल की डेथ के लिए जिम्मेदार नहीं है। उसी वक्त च्यूई का क्रिमिनल दोस्त एमिलियो उनके घर पे आता है। जस्टिन से वो पायरेटेड गेम्स की DVDs मांगता है। वो दोनों बात कर ही रहे थे जब एमिलियो को टाइलर का कॉल आता है। जस्टिन को ये बात थोड़ी अजीब लगती है कि टाइलर जैसा सोल्जर एमिलियो जैसे क्रिमिनल को क्यों फ़ोन करेगा। एमिलियो के जाने के बाद जस्टिन और मैक्स उसका पीछा करते हैं। जंगल में वे टाइलर और एमिलियो को भी देखते हैं। उनके साथ इटालियन गैंगस्टर्स थे, जो गन्स और वेपन्स खरीदने आए थे। जस्टिन समझ जाता है कि टाइलर अफगानिस्तान से गन्स चुराकर गैंगस्टर्स को बेच रहा है। गैंगस्टर्स के 2 डॉग्स मैक्स के पीछे भागने लगते हैं। जस्टिन भागने की कोशिश करता है, पर मैक्स को वो डॉग्स अटैक कर देते हैं। मुश्किल से दोनों जान बचा के वहाँ से भागते हैं। जब जस्टिन घर पहुँचता है तो वो घर पर टाइलर और उसका क्राइम पार्टनर डेप्यूटी स्टैक उन दोनों को अपना इंतज़ार करते हुए देखता है। वो जस्टिन की जंगल में पड़ी हुई साइकिल को लेकर आए थे, जिससे उन्हें पता चल गया था कि जस्टिन उनकी सच्चाई जानता है। डिप्टी झूठ बोल देता है कि मैक्स ने उसके हाथ पर बाइट करके उसे जख्मी कर दिया है। टाइलर जस्टिन को अकेले में ले जाकर धमकी देता है कि अगर गन्स वाली बात उसने किसी को भी बताई तो वो उनकी पूरी फैमिली को शूट कर देगा। जस्टिन डर जाता है और चुप रहने का डिसाइड करता है। अगले दिन डॉग शेल्टर वाले मैक्स को अपने साथ ले जाते हैं। टाइलर रे के पास जाता है। रे उसे एक स्टोरेज यूनिट के बारे में पूछता है, जो कि अनऑफिशियली ऑक्यूपाइड था। टाइलर ने असल में उसमें गन्स छुपाई हुई थी, जिसके लिए वो इटालियन गैंगस्टर्स से डील करने वाला था, लेकिन वो उसे कुछ बहाना बना के टाल देता है। दूसरी ओर मैक्स शेल्टर पहुंचता है। वहां वो अपने हैंडलर्स पर अटैक करके घर की तरफ को भाग जाता है। घर पर रे जस्टिन से मैक्स और डिप्टी स्टैक के इंसिडेंट्स के बारे में पूछता है। उसे लग रहा था कि जस्टिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुपा रहा है। जस्टिन टाइलर की धमकी से अभी भी डरा हुआ था, इसलिए वो रे को कुछ भी नहीं बताता। उसके बाद रे अपने स्टोरेज यूनिट पर जाता है, जहां पर टाइलर और डिप्टी गन्स निकाल रहे थे।
वे दोनों रे को बंदी बना लेते हैं और गन्स की डिलीवरी के बाद उसे मारने का डिसाइड करते हैं। घर पर पैमेला को रे का कॉल आता है। वो कहता है कि रात में वो हंटिंग केबिन पर ही रुकेगा। पैमेला कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उनके पास तो कोई हंटिंग केबिन ही नहीं था। उसी वक्त मैक्स भी घर के दरवाजे पर पहुँच जाता है। जस्टिन और मैक्स चियो के घर पहुँचते हैं और जस्टिन उसे सब बताता है। इसके बाद मैक्स, जस्टिन, चियो और कार्मन ये सब स्टोरेज यूनिट जाते हैं और उसके बाद वे सब जंगल की तरफ को निकलते हैं। वे पूरी गैंग टाइलर, डिप्टी और रे इन सब को देखते हैं। कार्मन पुलिस को बुलाने के लिए निकल जाती है। गैंगस्टर्स का डॉग फिर से उन्हें सूंघ लेता है और मैक्स पर अटैक कर देता है। टाइलर और एमिलियो जस्टिन को मारने जाते हैं और डिप्टी रे पर नज़र रखने के लिए रुक जाता है। रे डिप्टी पे अटैक करके अपने आप को फ्री कर लेता है। उधर मैक्स भी गैंगस्टर्स के डॉग को फाइट में हरा देता है और भागकर रे के पास जाता है। जस्टिन भी रे के गले मिलता है। उधर टाइलर अभी भी उनके पीछे था, इसलिए दोनों स्प्लिट होकर अपोजिट डायरेक्शंस में जाते हैं। डिप्टी रे का पीछा अपनी गाड़ी में करता है। रे गाड़ी पर शूट कर देता है जिससे डिप्टी का एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। दूसरी तरफ टाइलर भी जस्टिन के पास पहुंच जाता है। वो अपनी गन जस्टिन पर पॉइंट करता है और उसे सब सच बताता है। वो जस्टिन को गन से शूट करने ही वाला होता है जब मैक्स उसके ऊपर पीछे से आके अटैक कर देता है। दोनों पुल से नीचे गिर जाते हैं। मैक्स को भी चोटें आती है पर उसकी जान बच जाती है। तब तक कार्बन भी पुलिस को लेकर वहाँ पहुँच चुकी थी। इससे मैक्स और जस्टिन दोनों को बचा लिया जाता है। अगले सीन में जस्टिन काइल की ग्रेव के सामने खड़ा होता है। वो काइल को उसे मैक्स जैसा दोस्त देने के लिए थैंक यू बोलता है और ज़िंदगी में पहली बार उसे सैल्यूट करता है। घर पर पामेला और कार्मन उनका वेट कर रहे थे। चियो काउच पर बैठकर वीडियो गेम्स खेल रहा था। कार्मन और जस्टिन डेट कर रहे थे। रे घर आता है तो जस्टिन रे से केज के बारे में पूछता है। रे बताता है कि अब उसने केज को बेच दिया है क्योंकि अब तक मैक्स उनकी फैमिली का मेंबर बन चुका है, उनके साथ घर के अंदर ही रहेगा। सब लोग खुश हो जाते हैं और मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी मैक्स जैसा फ्रेंड चाहते हैं तो कॉमेंट करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।